हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंथुजियास्टिक राइडर। आज मैं जा रहा हूँ रायपुर और कुछ काम है मुझे डीकैथलॉन के शोरूम में, और वहाँ जाने के बाद मैं कैंपिंग टेंट और स्लीपिंग बैग वगैरह देखूंगा और फिर चलते हैं रायपुर, और फिर मैं आप लोग को दिखाता हूँ डीकैथलॉन का शोरूम भी और क्या क्या चीजें मैं परचेज कर रहा हूँ वो भी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। यह है डीकैथलॉन का रायपुर का शोरूम। अभी सीधे हम लोग चलते हैं उस सेक्शन पे जहाँ पे मेरे को टेंट परचेज करना है। तो सबसे पहले टेंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ एसेसरीज जो है मुझे परचेज करनी है तो वो हम लोग फिर लेंगे। तो यह है टेंट, हैंगिंग वाला भी ले सकता हूँ मैं, बट मुझे हैंगिंग वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे ज़रूरत पड़ती है ये 2% वाला है और वो 3% का है। ये कुछ डिटेल्स दी हुई है इसकी, 1999 का क्वालिटी। अंदर से एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, क्वालिटी काफ़ी अच्छी। ये मैट और ये मैट, ये स्पंजी है, एयर यहाँ से फील हो जाती है। ये इसके साथ में नहीं, इसको अलग से परचेस करना पड़ेगा, बट 2% का मेरे लिए सफिशिएंट होगा। तो ये 2% का, और ये है केचुआ का ही है, फ्रेश एंड ब्लैक। केचुआ का ही ब्रांड है, फ्रेश एंड ब्लैक। ये फ्रेश एंड ब्लैक, ये 3% का है और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसका प्राइस ये 4499। ये डोम टेंट है, ये काफ़ी दिखने में तो अच्छा दिखता ही है लेकिन साइज़ बहुत काफ़ी बड़ा है। इसका बैग के साथ कैरी करना इसको मुश्किल हो जाएगा। तो ऑप्शंस तो यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। ये सारे परसेंट के हिसाब से यहाँ पे जगह सफिशियंट है। हैंगिंग बैग है, ये नेट काफ़ी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, अच्छी क्वालिटी है। तो टेंट तो मैं यही 2% वाला परचेस कर ले रहा हूँ। बाकी स्लीपिंग बैग और अंदर जो ये मैट बिछी हुई है उसको भी चेक कर लेते हैं, उसका रेट कितना है। तो ये स्लीपिंग बैग यही वाला है जो मैंने ऑनलाइन देखा था, हाइट तो इसकी सफिशियंट है, मोर देन एनफ मेरे लिए। एक ये ब्लैक कलर में है और ये इस टाइप का ग्रीन, कैमरे में शायद कलर अलग दिख रहा होगा बट ये ग्रीन कलर का है और ये थोड़ा सा बॉटल ग्रीन इसे बोल सकते हैं। पहले छोटा सा टूर ले लेते हैं। ये कुछ एसेसरीज भी हैं यहाँ, ये हम लोग जब कैंपिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें काम आती हैं। ये ओपन हो जाता है, इसी को गर्म करके इसे कब भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये छोटे ये लाइट्स हैं, केचुआ कंपनी का ही है, और ये हेड में जो लाइट लगा सकते हैं वो। ये शूज़, ट्रैकिंग शूज़ वुमेंस के, ये मेंस के, स्पोर्ट्स एक्टिविटी शर्ट्स हैं यहाँ पर, और ये बाइसिकल की एसेसरीज है और बाइसिकल्स यहाँ पर अवेलेबल है। बाइसिकल ये आपको दिखाता हूँ, इसका प्राइस। हाँ, ये वाला जो टंगा है ये कौन सा है, कितने का है ये? ये आपको है 1500 रुपये। 1500 रुपये का, इसको निकालिए ना एक बार, मैं खोल के एक बार नीचे रख के चेक कर सकते हैं ना।
वो चेन ओपन कीजिए ना एक बार। तो इसको एज अ हम लोग कैंप टेंट में एज अ मैट्रेस भी इसको बिछा सकते हैं और एज अ स्लीपिंग बैग फिर इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एक बार लेट के देख लेता हूँ इस पर हाइट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से ठीक है। तो मेरी हाइट के हिसाब से देख लिया तो एक तो इसको फाइनल कर देता हूँ, इसका बैग यही वाला है। ये वाला है ना, ये इसका बैग है, ये इसका बैग है, ये ब्रांड नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, यस यही है, कलर यही है। तो दो चीज़ें हम लोग ले चुके हैं, ये है योगा मैट्स, प्राइस इसका ये 399 वाला है, लेकिन इसका मटेरियल जो है वो थोड़ा सा पतला लग रहा है मुझे, और ये है 899 वाला, ये थोड़ा ठीक है बट इसको लेने से अच्छा है कि मैं वो स्लीपिंग मैट्रेस ही ले लेता हूँ वो ज़्यादा। यस इसका क्वालिटी थोड़ा सा क्वालिटी ठीक है बट पतला है बहुत ज़्यादा। ये साइकिलिंग सेक्शन मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ये पूरा शूज़ सेक्शन और वो बैक सेक्शन कैंपिंग टेंट लगा हुआ है, और ये कपड़ा, ये जिमिंग जिम के इक्विपमेंट्स पूरे यहाँ पे अवेलेबल हैं, और सामने पूरे टी शर्ट्स वगैरह लगे हुए हैं। ये है स्केटबोर्ड, स्केटबोर्ड अगर आप ये है पूरा वाटर बॉटल और ये वॉलीबॉल वगैरह है, और ये पूरा स्पोर्ट्स सेक्शन है, ये पूरा स्पोर्ट्स शूज टी शर्ट्स बास्केटबॉल, और इधर ये रैकेट्स वगैरह हैं और शूज़, मतलब पूरा स्पोर्ट्स हेल्थ इनसे रिलेटेड पूरा स्टोर है ये, और काफ़ी बड़ा है देख रहे हो आप, काफ़ी बड़ा स्टोर है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है अपनी शॉपिंग, तो ये तीन चीज़ें मैंने ले ली हैं, कैंपिंग टेंट 2% केचुआ का, ये मैट नीचे बिछाने की, और स्लीपिंग बैग फाइनल। तो इस व्लॉग को मुझे लगता है यहीं ख़त्म करना चाहिए, ये था डिकैथलॉन रायपुर का